इतने साल दिल्ली में रहने के बाद आज मैंने डिसाइड किया कि मुझे देखना है सूरज कुंड का मेला, तो मैंने पे किया 200 रुपये इस मेले को देखने के लिए। चलिए देखते हैं किस तरीके का मेला है ये, मैंने बड़ी सुनी है। चल देखते हैं क्या जो सुनी है वो सही है क्या। देखो भाई, मैं पहले ही कह देती हूँ सबसे कि भाई मेले में जाना था, शॉपिंग मत करना। मेरे अंदर का जो इच्छा थी ना, कीड़ा कि खरीदना है, उसको मैंने त्याग दिया। बड़ी कोशिशें की लेकिन कोशिशों में नाकाम नहीं रही। मैंने फिर अपने आप को जीता कि मेरे को शॉपिंग नहीं करना है। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, बड़ा मन भी हुआ ले लो, लेकिन नहीं लिया, बिल्कुल भी नहीं लिया भाई। मैंने नहीं लिया तो नहीं लिया। ये जो मेले की चीजें हैं ना, ये आपको प्रोवोक करेंगी, खरीदो मुझे। खरीदना नहीं है आप, अगर खरीदने का मन तो खरीद भी लेना यार, ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर मेले की बात करें तो मेला अमेजिंग है, सच में अमेजिंग है। इसके बहुत सारे फैक्ट्स हैं कि ये मेला क्यों अमेजिंग है। पहला फैक्ट ये है कि ये वन ऑफ द बिगेस्ट क्राफ्ट मेला, इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है आपको इस मेले में आने के लिए। और दूसरा पॉइंट जो है यहाँ के हैंडमेड प्रोडक्ट्स जो यहाँ पर आपको मिलेंगे, वो शायद आपको ढूंढने पर मोस्टली कहीं नहीं मिलेगा। तो अगर आपको हैंडमेड प्रोडक्ट सस्ते प्राइजेस में चाहिए, अच्छे, तो ज़रूर यहाँ पे आए, क्योंकि यहाँ पे हर स्टेट का अपना अलग अलग हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं, सबने अपनी स्पेशलिटी लगा रखी हैं, तो वो आपको बहुत ही अच्छे वैरायटी में, अच्छे रेंज में आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और ऐसा नहीं है कि बस आपको इंडियन टच की चीज़ें ही मिलेंगी, आपको अदर कंट्री की भी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। बहुत सारी कंट्रीज़ ने भी अपनी शॉप लगा रखी हैं। अभी ये जो देख रहे हैं आप, ये है आपके टर्की का, मतलब वहाँ पे जो शॉपकीपर्स थे वो भी टर्किश थे। जो लाइटें थी वो टर्की की लाइटें हैं, जो है बड़ी सुंदर सी, काफ़ी अच्छे प्राइस में भी मिल जाएंगी और बहुत बहुत प्यारी हैं, बड़ी अमेजिंग सी लग रही हैं। भाई मुझे तो मोमोज खाने हैं, मतलब ऑथेंटिक मोमोज, क्योंकि ये थीम है नॉर्थ ईस्ट की और मुझे पता था अगर नॉर्थ ईस्ट का थीम है तो मोमोज तो पक्का मिलने तय हैं। तो मैं वही ढूंढ रही हूँ, फूड कोर्ट ढूंढ रही हूँ कि भाई कहाँ पे अच्छे मोमोज मिलने वाले हैं। और हाँ, अगर आप फूडी हैं ना तो पक्का ही आए, क्योंकि यहाँ पे ना जितने स्टेट के कल्चर है ना उतने स्टेट का फूड भी है, तो फूड भी आप इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे हर तरीके का फूड मिल जाएगा आपको। अभी तो मैं ढूंढ रही हूँ मोमोज, तो चलते हैं, मेरे सर्च में आप भी साथ देना। हाँ जी, मुझे मिल गई मोमोज की शॉप, आसाम के मोमोज। चलिए खा के देखते हैं कैसे हैं मोमोज। मैं पूछ रही हूँ मोहतरमा से, मोहतरमा ने भाई मना कर दिया, एकदम दिल पे मेरे सांप लौट गया, अब नहीं मिलने मोमोज, क्योंकि इनके मोमोज हो गए हैं ख़त्म। अब मुझे वेट करना पड़ेगा कम से कम 20 मिनट। Thank you.
आप तुरंत तुरंत बना के बेच रहे हो? नहीं आप सीखो, हम तो सिखाने बैठे हैं। आप सिखाने बैठे हो? Thank you.
अच्छा।